क्या आपके विवाह भाई का संबंध है, इसके बारे में जानिए। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, व्यसन मुक्ति और सम्मोहन विशेषज्ञ हूँ और पुणे, मुंबई, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। पुरुषों के विवाह भाई या संबंध, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। सही गलत उसमें मैं जाऊंगा नहीं, क्या सही है क्या गलत है, मगर उसके क्या कारण हो सकते हैं वो हम देखेंगे। नंबर एक कारण ऐसा हो सकता है कि पहले से वो एक मानसिकता उसकी ऐसी है कि वो पहले से उसको बहुत अच्छा लगता है लेडीज के साथ में बातचीत करना, उनके साथ में घूमना फिरना, काफी सारी गर्लफ्रेंड्स है, काफी सारा पैसा उनके ऊपर खर्चा करता है और उसको काफी लेडीज के साथ में संबंध रखना अच्छा लगता है और वो शादी के पहले रखता है। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं शादी के बाद में सुधर जाएगा, मगर शादी होने के बाद में भी वो कंटिन्यू रखता है और उसको एक मतलब ज्यादा सेक्स करना या ज्यादा संबंध रखना लेडीज के साथ में, ऐसा उसका स्वभाव ही है। तो एक वो पहला कारण है। फिर दूसरा कारण जो है कि भाई पहला बच्चा होता है शादी के बाद में, उसमें उसकी पत्नी बिजी हो जाती है, फिर बाद में क्या होता है कि तुरंत हो सकता है कि दूसरा बच्चा हो गया, उसमें वो गुज जाती है, तो फिर क्या होता है कि हस्बैंड की तरफ ख्याल देना होता नहीं उसको। घर में ऐसा लगता है कि भाई कभी भी जाओ तो दोनों बच्चे घर में हैं, पत्नी तो घर काम करना है, उसमें बिजी है, बच्चों में बिजी है और उसकी तरफ ख्याल देने वाला है नहीं, उसको जो प्यार मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, वो थक जाती है घर में काम करते करते, बच्चों को देखते देखते सेक्स में बिल्कुल ही इच्छा नहीं है। और एक मानसिकता ऐसी कि दो बच्चे हो गए ना अब क्या है इतना, और ऐसा होने के बाद में फिर उसका आकर्षण बाहर फिर होता है क्योंकि उसकी जो सेक्सुअल हंगर है वो पूरी घर में होती नहीं, इसलिए बाहर जाता है। ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि कभी वो पत्नी के साथ में जुड़ता ही नहीं है। तीसरा कारण है कि पत्नी के साथ में कभी वो जुड़ता ही नहीं है। क्या होता है कि अनकंडीशनल लव पत्नी से मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं उसको। अनकंडीशनल लव देना भी चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि मिलना ही चाहिए, मगर अनकंडीशनल लव या जो लव प्यार जो है वो मिलता नहीं, वो भावनिक दृष्टि से उससे कभी जुड़ता ही नहीं। हो सकता है कि कोई प्रेशर में उसने शादी कर लिया, घर के प्रेशर में, माँ की तबीयत खराब है, जल्दी शादी करनी पड़ती है, तो जो मिल गई शादी कर लिया फटाक से, मतलब इमरजेंसी में शादी हो गई, कोई सीरियस है उनके सामने शादी करना है, या कोई लफड़ा हो गया था जबरदस्ती शादी करनी पड़ी, तो ऐसे कोई कारण हो सकते हैं कि जिसमें वो भावनिक दृष्टि से उससे जुड़ता ही नहीं, तो एक कारण हो सकता है। चौथा हो सकता है कि शारीरिक संबंध उसके नहीं है मगर मानसिक संबंध है, मतलब उसको बातचीत करना, घूमना, मतलब घूमना मिलना जुलना ऐसा है। और ऐसे मैंने काफी सारे लोग देखे हैं कि उनके पत्नी को मालूम है कि अपना हस्बैंड बाहर लेडीज के साथ में घूमता है फिरता है और उसके उनके साथ में शारीरिक संबंध नहीं है, वो उनका आना जाना है, दे आर फ्रेंड्स, और वो उनके साथ में जुड़े हैं, फ्रेंडशिप चल रही है, तो वो उनके शारीरिक संबंध नहीं है, मानसिक है, मतलब प्यार है, मिलते जुलते घूमते फिरते लाइक वाइफ, मतलब एक वाइफ है और एक वो है और उनको चलता है और ऐसा कुछ प्रॉब्लम उनको लगता नहीं है, तो एक कारण वो हो सकता है कि बिना शारीरिक संबंध वो जुड़े हुए और प्यार है और उनके संबंध है। पांचवा है कि पत्नी को कोई बीमारी है इसलिए वो शारीरिक संबंध रख सकती नहीं है, है ना, पुरानी बीमारी है, बैकएक है, फिर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या वजाइनल प्रॉब्लम्स है या कोई और बीमारी है कि जिसके वजह से वो बार बार बीमार होती रहती है, कुछ ना कुछ बीमारी है और सेक्स के लिए वो ना बोलती है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी भी जाओ तो घर का काम करेंगे थक जाएंगे, ऐसे बहुत सारी औरतें मेरे पास में लाते लोग कि भाई वो थक जाती है, कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर सेक्स में तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे इसमें फिर जब उसको घर में शारीरिक सुख मिलता नहीं है तो फिर नेचुरली वो बाहर कहीं ना कहीं वो ढूंढते रहता है और बाहर उसका संबंध आता है। छठवां है कि मानसिक बीमारी, कि उसको कोई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, बहुत ही एक्स्ट्रोवर्ट है, हाइपोमैनिक है या हाइपर सेक्सुअलिटी है कि जिसके वजह से वो बाहर ज्यादा आकर्षित होता है, उसको एक के साथ में संबंध रखना जमता नहीं, उसको अनेक संबंध रखने का है और उसमें फिर वो बाहर संबंध रखता है, तो ये हो गया छठवां कारण कि जिससे विवाह बाह्य संबंध पुरुष के होते हैं। हम इसमें सही या गलत न जाते हुए हमने ये देखना है कि ऐसा क्यों होता है और ये अच्छा बुरा उसमें भी जाने का नहीं है, मगर हमारे समाज में उसको मान्यता नहीं है। इसमें दोनों फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, पत्नी नेचुरली एक्सेप्ट नहीं करती, समाज में एक्सेप्ट नहीं होता, पत्नी एक्सेप्ट करती नहीं है, समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होते हैं, तो इसलिए वो अवॉइड करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, हमारा ऐप है वो आप डाउनलोड करके फ्री चैटिंग कर सकते हैं, हमारा जो मिशन है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, इसमें हम आपको शामिल करके लेंगे। थैंक यू वेरी मच।